हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपनी लास्ट वीडियो में इमल्शंस को पूरा कर चुके थे, है ना, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ कलर्स। ठीक है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है बट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एप्लीकेशन के ऊपर जरूर क्वेश्चन आना है, तो एप्लीकेशन तो हमने एक भी नहीं छोड़नी है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारी कर रही है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। डेल्टा आपने नाम सुन रखा हुआ ना, सुंदरवन का डेल्टा जो अपने भारत में जो सबसे ज्यादा फेमस है ना पश्चिम बंगाल में। तो डेल्टा क्या होता है, हिंदी में शायद पठार बोलते हैं इसको। ठीक है, जो मीटिंग पॉइंट होता है रिवर एंड सी, ठीक है, वहां पर एक डेल्टा बन जाता है, पठार बन जाता है। ठीक है, और जिसका साइज कुछ 100, 200, 500, 1000 सालों में बहुत बड़ा हो जाता है। तो बात आते हैं कि जो डेल्टा, हम इसको डेल्टा क्यों बोलते हैं और डेल्टा बनता क्यों है, उसका कोलोइड से क्या लेना है। ठीक है, देखो डेल्टा इसको बोलते हैं ना, तो जो इसकी जो शेप होती है कुछ इसके जैसी होती है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, डेल्टा बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि जो रिवर वाटर होता है इज इन फॉर्म ऑफ कोलॉइड। ठीक है, जो कि क्या कहता है कि जो रिवर वॉटर होता है उसके अंदर मिट्टी के बारीक बारीक कण होते हैं, वो किसके फॉर्म में होते हैं, कोलॉइड्स के फॉर्म। अब कोलॉइड्स की फॉर्म में है तो सिंपल सा मतलब उसके ऊपर क्या होगा, चार्ज, है ना। तो अब जैसे ही ये किसके साथ मिलेगा, सी वॉटर के साथ मिलेगा। अब सी वॉटर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब हम पढ़ चुके हैं कि जो कोलोइड्स जो होते हैं जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ रिएक्शन करते हैं वहां पर क्या हो जाएगा, तुरंत वहां पे कोगुलेशन, मतलब कि जो पानी के अंदर जो मिट्टी के बहुत बारीक बारीक कण थे जो हमें दिख भी नहीं रहे थे, जैसे ही वो समुद्र के कॉन्टेक्ट में आएंगे उसके पानी के साथ जुड़ेंगे, उसके मिट्टी के पार्टिकल्स का क्या हो जाएगा, कोगुलेशन, मतलब वो मिट्टी के पार्टिकल सारे के सारे इकट्ठे होने लग जाएंगे। और फिर उनके कोगुलेशन से क्या होगा कि कुछ 500 या 1000 सालों में वहां पर मिट्टी इतनी ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी कि वहां पर क्या बन जाएगा, एक डेल्टा बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी किसकी एप्लीकेशन हो गई, कोलोइड की एप्लीकेशन की, डेल्टा बनता कैसा। सेकेंड एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल रेन कि जो बारिश होती है ना, बारिश जो होती है उसको, ये तो नेचुरल है अपने आप जो बारिश होती है, हम उसको आर्टिफिशियली भी करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे, तो सबसे पहले रेन के लिए क्या होने चाहिए, क्लाउड्स। और हम पढ़ चुके हैं कि जो क्लाउड्स होते हैं वो भी एक्चुअल में किसका एग्जाम्पल है, कोलोइड्स का एग्जाम्पल है ना। जो बादल होते हैं क्लाउड्स है, उसके अंदर क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो बहुत ज्यादा छोटी होंगी वो एयर के अंदर डिस्पर्स होती हैं। अब वो बारिश की फॉर्म में नीचे तब आएंगी ना जब वो बूंदे बहुत बड़ी बड़ी हो जाएं और एयर उसको संभालेगा। और वो कब पॉसिबल होगी, मतलब क्या हो गया कि जो क्लाउड है उसके अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो डिस्पर्स फेज की फॉर्म में है, तो कोई ना कोई चार्ज भी होगा। उसको अर्थ पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बड़ी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म लेनी पड़ेगी ना, बड़ी बड़ी बूंदे बननी पड़ेगी, और उसके लिए क्या जरूरी है, कोगुलेशन। बिल्कुल, तो जब बेटा जब नेचुरल बारिश होती है तो क्या होता है कि दो अलग अलग चार्ज पार्टिकल के क्लाउड्स जब इकट्ठे होते हैं ना, तो तब क्या होता है वहां पे, तब वहां पर कोगुलेशन होता है, और उस कोगुलेशन की वजह से क्या हो जाता है, बारिश। या फिर जो अर्थ का जो अपर एटमोस्फियर है जहां पर बादल होते हैं वहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, उस लो टेम्परेचर की वजह से क्या होती है, वो बूंदे क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, और वो बड़े बिग ड्रॉप्स के फॉर्म में अर्थ पे आ जाती है। और या फिर आर्टिफिशियली क्या करेंगे, हम हेलीकॉप्टर से बादलों के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट्स डालेंगे, और वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेंगे, उनके अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स थी वो वाटर ड्रॉपलेट्स को क्या करेंगे, वो वाटर ड्रॉपलेट्स को कोगुलेट कर देंगे और वो बिग साइज की फॉर्म में अर्थ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना हो गया कि आर्टिफिशियल रेन कैसे हो। नेक्स्ट है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर,
वाटर को प्योरीफाई कैसे किया जाता है। तो मैं सुना हुआ गाँव में भी यूज करते हैं कि पानी को साफ करने के लिए फिटकरी का यूज किया जाता है, अलम जिसको बोलते हैं, ठीक है, फिटकरी का यूज होता है वाटर को प्योरीफाई करने के, ठीक है। तो अब रीजन क्या होता है कि जो वाटर है वो जो जनरली पहले जोड़ का पानी आया करता उसमें क्या होते थे, वो कोलोइड्स की फॉर्म में होता है, मतलब फिर से उसके अंदर क्या होंगे, सैंड पार्टिकल्स होंगे, मिट्टी के बहुत ही बारीक कण होते हैं उसके अंदर। और जो अलम होती है वो अलम किसकी तरह काम करेगी, इलेक्ट्रोलाइट की तरह। तो जैसे ही उस पानी के अंदर हम फिटकरी डालेंगे तो वो फिटकरी क्या कर देगी, तुरंत उस मिट्टी के पार्टिकल्स को कोगुलेट कर देगी, मतलब वो मिट्टी के पार्टिकल जो हमें दिख भी नहीं रहे थे, जो छन्नी से हम उसको छान भी नहीं सकते, वो फिटकरी क्या कर देगी, उन मिट्टी के ड्रॉपलेट्स को सबके सबको बॉटम में ले आएगी, मतलब सारी मिट्टी तो सेटल डाउन हो जाएगी और पानी क्या हो जाएगा, एकदम प्योरीफाइड हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट है जो नाई की दुकान होती है, बार-बार शॉप होती है, वहां पर भी फिटकरी का यूज किया जाता है, बॉयज तो जानते होंगे, ठीक है। जो नाई की दुकान होती है वहां पे फिटकरी का यूज किया जाता है, आजकल तो यूज नहीं करते हैं, क्या करते हैं जैसे शेविंग बनाएंगे, शेविंग बनाने के बाद वो हमारी स्किन पे थोड़ी सी फिटकरी लगाते हैं, तो उसका क्या यूज होता है, तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो क्या होता है कि जब अगर कभी ड्यूरिंग शेविंग, जब शेविंग करते हैं तो कई बार बहुत माइन्यूट सा कट लग जाता है, ठीक है, और उस कट में से हल्की से ब्लड बाहर आ जाता है। अब हम पहले बता चुके हैं कि जो ब्लड होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, कोलोइड्स की फॉर्म में होता है ना, जो ब्लड होता है वो कोलोइडल फॉर्म है, और अब उसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, फिटकरी लगा रहे हैं अलग। अब ये कौन है, कोलोइड है, ये कौन है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो जैसे ही अलम ब्लड के ऊपर अप्लाई होगा क्या हो जाएगा, कोगुलेशन। तो वो जो माइन्यूट सा कट लगा था, उस माइन्यूट से कट में से अब ब्लड तो बाहर आ सकता है, बट जब वो ब्लड के पार्टिकल कोगुलेट हो गए, मतलब वहां पर क्या हो गया, ब्लड का खून का थक्का जम गया, अब वो थक्का उस जो कट लगा उस कट में से कैसे बाहर आएगा, कट लगा बिल्कुल हल्का सा और उसमें ऊपर हमने लगा दी तुरंत फिटकरी, फिटकरी लगते ही क्या हो जाएगी, वो जो ब्लड के पार्टिकल से सारे इकट्ठे हो गए, बहुत बड़ा पार्टिकल बन गया, अब वो बड़ा पार्टिकल इस छोटे में से बाहर को ही आएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा कि ब्लड का बहना रुक जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ये मेथड होता है कि इसलिए हम फिटकरी का यूज करते हैं। नेक्स्ट है नंबर फिफ्थ, इसका यूज होता है इन लेदर इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री मतलब कि चमड़े बनाने में। अब तुमने कभी सोचा, कभी दिमाग लगाया हो कि जो चमड़ा होता है ना, चाबुक जिससे बनता है, जूते जिससे बनते हैं, चमड़ा कहते हैं कि स्किन का बनता है ना, जानवरों की हाइड कह लो या खाल कह लो। अब खाल जो होती है वो तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है ना, उससे इतना हार्ड चमड़ा कैसे बनता है, मतलब कोई मिलावट की जाती है क्या। तो क्या होता है, तो क्या कहता है कि जो एनिमल हाइड है, एनिमल खाल जो होती है, ठीक है, जो एनिमल हाइड है वो किसकी फॉर्म में होती है भाई, कोलाइडल फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होगी, कोलाइडल फॉर्म, और उस और उसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है। अब हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन होता है टैनिन, ठीक है, टैनिन एक सॉल्यूशन होता है जो कि हमें प्लांट से, पौधों से मिलता है, और ये भी क्या होता है, कोलोइड होता है, और इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो क्या करते हैं, एनिमल हाइड इज सोक्ड इन टैनिन, एनिमल हाइड को टैनिन के अंदर शो करके डुबो देते हैं, और उस डुबोने से क्या हुआ, ये जो कोलाइडल फॉर्म थी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कोगुलेशन में, और कोगुलेशन बनते है वो क्या बन जाएगा, एक हार्ड सब्सटेंस बन जाएगा। तो हार्डनिंग ऑफ लेदर या एनिमल स्किन इज कॉल्ड टैनिंग, TANNING। ये टैनिंग एक प्रोसेस है और ये टैनिन एक सब्सटेंस है, दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है इन रबड़ इंडस्ट्री। अब रबड़ इंडस्ट्री में रबड़ कैसे बनाते होंगे, फिर से वही बात हमने पढ़ा हुआ है कि जो रबड़ होता है वो एक लेटेक्स ट्री से निकलता है ना, दूध की फॉर्म में, मतलब कि बहुत ही या लिक्विड फॉर्म में मिलता है।
अब उस लिक्विड को इतना हार्ड कैसे बनाया होगा? क्या कहते हैं, इन रबर इंडस्ट्री, इन रबर इंडस्ट्री। तो जो रबर होता है वो हमें एक्चुअल में किससे मिलता है, लेटेक्स ट्री से, लेटेक्स प्लांट से। और वो जो लेटेक्स प्लांट से जो मिलेगा ना, वो किस फॉर्म में मिलता है, एक्चुअल में हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, इसके ऊपर भी चार्ज कैसा होता है, कोलाइड होता है। ठीक है, कोलाइड ही होता है। और इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब इसको हार्ड बनाना है, मतलब कि अब हम इस लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, इसका कोगुलेशन। और कोगुलेशन करवाने के लिए किसका यूज कर लेते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट का। तो इट इज हार्डन बाय, हार्डन बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। हम इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये हार्ड बन जाएगा। क्लियर है? तो रबर इंडस्ट्री में कुछ ऐसे काम आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन स्मोक प्रेसिपिटेशन। इन स्मोक प्रेसिपिटेशन मतलब कि जो चिमनी होती है, चिमनी में जो धुआं निकल रहा है, तो हम उस धुएं को प्योरीफाई कर सकते हैं। हम इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो डेंजरस पार्टिकल है वो चिमनी के अंदर ही रह जाए, और चिमनी के बाहर जो धुआं निकले कि वो बिल्कुल प्योरीफाई, उससे पोल्यूशन के चांसेस बहुत कम हो जाए। तो ये हम किसकी हेल्प से करवा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कोट्रल प्रेसिपिटेटर, विद द हेल्प ऑफ कोट्रल प्रेसिपिटेटर। क्या करते हैं, इसमें जो चिमनी होती है, ठीक है, जैसे ये चिमनी है, इसके अंदर से धुआं आ रही, ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल सा काम क्या करना है, इस चिमनी के अंदर मेटल की इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे और इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देंगे एक डीसी सोर्स से, पॉजिटिव और नेगेटिव। बट देखना ये डीसी सोर्स कितना होता है, लगभग 50,000 वोल्ट। और दूसरी बात हम पढ़ चुके हैं कि स्मोक क्या है, कोलोइड्स होते हैं, है ना, इसके अंदर जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। तो जो स्मोक है वो किसके फॉर्म में है, कोलोइडल फॉर्म में है, और जिसके ऊपर क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर कौन सी प्रोसेस यूज होगी, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा हुआ ना हमने कि जो चार्ज पार्टिकल है वो किसकी तरफ मूव करते हैं, इलेक्ट्रोड्स की तरफ, वहां पर जाकर के अपना चार्ज लॉस करते हैं और उन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो बिल्कुल सेम वही होगा, यहाँ से जो स्मोक निकलती है वो स्मोक क्या होगी भी, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव पर डिपॉजिट हो जाएगी, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ। तो वो जो जितनी भी जो स्मोक थी, जो कार्बन के पार्टिकल्स थे, वो इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो सारे पार्टिकल तो यहीं पर आ गए, बची कौन, एयर, वो एयर ऊपर निकल जाती है। अब उस एयर में तो कोई पॉइजनस पार्टिकल है नहीं, तो फिर उससे पोल्यूशन के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है नाम क्या इसका, कोट्रल प्रेसिपिटेटर। डायग्राम ये है और बुक में थोड़ा और अच्छा बना रखा है, तो वो कर सकते हो आप, ठीक है। तो सारे के सारे जो कार्बन पार्टिकल्स होंगे उसको अलग कर लेंगे, एयर को अलग कर लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कलर ऑफ स्काई। ये फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आपने कि आसमान नीला क्यों होता है ना, कलर ऑफ स्काई। तो हमने पढ़ा होगा कि जो आसमान का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, और वो क्यों होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो ब्लू कलर है वो स्कैटर हो जाता है, क्योंकि जो स्कैटरिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। तो अब ब्लू कलर की वेवलेंथ बहुत कम होती है, इस वजह से ब्लू कलर स्कैटर होता है। तो बात ये आती है कि ब्लू कलर को स्कैटर कौन करता है, स्कैटरिंग हमने पढ़ चुके टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग के लिए क्या होना चाहिए, कोलाइड होने चाहिए। तो क्या है कि जो एयर है, एयर के अंदर कौन होंगे, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे। तो ये डस्ट पार्टिकल, ये वाटर ड्रॉपलेट्स मिलकर के क्या बना लेते हैं, ये कोलाइडल फोम बना लेते हैं। और ये कोलाइडल क्या करेंगे, सनलाइट को स्कैटर करेंगे, जिसमें से ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होगा, और इस वजह से हमें आसमान नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो ये थी इसकी मेन मेन एप्लीकेशंस, जो तुमने बहुत अच्छे से